खबर हरिद्वार से है, जहां लक्सर एसडीएम वैभव गुप्ता ने अवैध खनन के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 9 वाहनों को सीज कर दिया है। बता दें कि लक्सर एसडीएम के अवैध खनन के खिलाफ रात भर चली इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच रहा है। वहीं जानकारी देते हुए एसडीएम वैभव गुप्ता ने बताया कि सूचना मिल रही थी कि क्षेत्र में कुछ लोग अवैध खनन कर रहे हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए 7 ट्रैक्टर ट्रॉलियों और 2 JCB मशीन को सीज किया गया है। उन्होंने अवैध खनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कहा है। जो भी अवैध खनन में लिप्त पाया गया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कई सारी जैसी मशीन लगी हैं और खनन हुआ है, जो वहाँ पर दबिश थी, तो वहाँ पर हमें 7 ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ जो है अवैध खनिज का अवैध परिवहन करते हुए मिली, तो वो सब सीज कर दी।